मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा मनाली में 18वीं मारुति सुजुकी रेड द हिमालय रैली का आयोजन किया गया। कंपनी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। 7 दिन की रैली में मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों की 155 टीमें भाग ले रही हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत की प्रमुख पैसेंजर कार निर्माता कंपनी ने हरी झंडी दिखाकर 18वीं मारुति सुजुकी रेड द हिमालय रैली को रवाना किया। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विनय पंत ने कहा कि वह देश में मोटर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से एडवेंचर में प्रोफेशनलिज्म और सुरक्षा पर जोर देते हैं। मारुति सुजुकी दुनिया की सबसे चुनौती भरी रैलियां आयोजित करती है। उन्होंने बताया कि 18वीं मारुति सुजुकी रेड द हिमालय भी दुनिया की सबसे अधिक चुनौती भरी ऑफ रोड मोटर रैलियों में एक है। यह भारत में प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों को अधिक रोमांच देने का शानदार कॉन्सेप्ट है। 18वीं एडिशन ऑफ रेड द हिमालय मनाली से स्टार्ट होगी। 3 बजे आज सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ है जी, और 14 तारीख को वापस मनाली में ही ख़त्म होगी। बीच में हम 9 तारीख को काजा, 10 तारीख को काजा, 11 को सारचू, 12 को ले, 13 को वापस सारचू, 14 को मनाली जी। ये रूट का प्लान है। मोटा मोटा 1700 किलोमीटर की रैली है और 725 किलोमीटर कॉम्पिटिटिव है इसमें। पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइलेज इस साल आई, क्योंकि शिमला से आते आते ट्रांसपोर्ट काफ़ी लंबे हो जाते थे, वो एलिमिनेट हो गए। टोटल पार्टिसिपेंट्स 158 थे जिन्होंने एंट्री दी थी। चेकिंग चल रही है कल से जी, सेफ्टी की चेकिंग होती है हर गाड़ी की। कॉम्पिटिशन भी अच्छा है और हर साल ही रहता है कॉम्पिटिशन, तो अपने आप को सर्वाइव करना और गाड़ी को भी बचाना मेरा यही मतलब पूरा कि अपनी मेरी फाइट जो है अपनी गाड़ी के साथ है। मुझे अपनी गाड़ी को लास्ट तक लेना है, तो रिजल्ट मुझे लगता है कि अच्छा ही रहेगा। याद रहे कि रैली दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में हो रही है। इस साल रैली में काजा मार्ग की कड़ी चुनौतियां हैं। 7 दिन की रैली में प्रतिभागियों को सरचू से ले जाना है। 7 दिन की रैली में प्रतिभागियों को ले जाना है। यह हिमालय में कुल लगभग 2000 किलोमीटर की रैली है। रैली में मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों की 155 टीमें हैं। इसका समापन 15 अक्टूबर को मनाली में पुरस्कार वितरण के साथ होगा। 17,500 फुट की भयानक ऊंचाई पर इस रैली के भागीदारों को -15 डिग्री सी तापमान का भी सामना करना होगा। दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें वाहनों के साथ साथ प्रतिभागियों की मानसिक स्फूर्ति और शारीरिक सहनशीलता की अग्नि परीक्षा होगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।